नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव आज राष्ट्रपति मुर्मू इंदौर पहुंची। इंदौर सहित 66 शहरों को करेंगी सम्मानित। सभी स्मार्ट सिटी के मेयर कमिश्नर आएंगे। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के तहत बुधवार को इंदौर को 7 पुरस्कार मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिलियंट कॉन्वेंशन सेंटर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त हर्षिका सिंह और स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह को सम्मानित करेंगी। इंदौर को देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी के साथ अर्बन एनवायरनमेंट, वाटर, सैनिटेशन सहित अन्य श्रेणियों में पहला स्थान व 3 अन्य श्रेणियों में दूसरा स्थान मिला है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी अवार्ड सेरेमनी। बुधवार सुबह 10 बजे आयोजन स्थल ब्रिलियंट कॉन्वेंशन सेंटर में अलग अलग शहरों से आए मेयर कमिश्नर सहित अधिकारियों जन प्रतिनिधियों का आगमन शुरू होगा। दोपहर 3 बजे के बाद अवार्ड सेरेमनी का दूसरा सेशन शुरू होगा। लंच के बाद एग्जीबिशन हॉल में एक्सपर्ट अपने अनुभव साझा करेंगे। शाम कल्चरल प्रोग्राम होगा जो 1 घंटा चलेगा। फिर डिनर के बाद कॉन्क्लेव का समापन होगा। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति के एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कॉन्वेंशन सेंटर BCC तक आने के दौरान 4 DCP रैंक अफसर तैनात रहेंगे। मंगलवार को ट्रैफिक अफसरों के साथ एक ट्रायल रन भी किया गया। उनका कारकैड एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर होकर भौरासला चौराहा, MR 10 टोल नाका, चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा, हीरानगर, बापट चौराहा, न्याय नगर, साई मंदिर होते हुए BCC पहुंचेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।